आंसुओं की लकीर बन गई। कभी सोचा भी न था ऐसी तकदीर बन गई। साहित्य के कठिन मापदंड शायद इसे कोरी तुकबंदी से ज्यादा अहमियत न दे, लेकिन इस पंक्ति में एक ऐसे जीवन का दर्द छिपा है जिसको प्रकृति ने यह अवसर भी नहीं दिया कि वो अपनी दिशा तय करने के बारे में सोच भी सके। हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपने ख्वाब पूरे करने के मौके मिले हैं, मगर न जाने कितने ही लोग हैं जिन्हें ताउम्र भटकने के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे ही किसी मौके की प्रतीक्षा में थी निर्मला। देर से ही सही, लेकिन एक मौका उसे मिला और उसने दोनों हाथों से मजबूती से उसे थाम लिया और फिर उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर उस मौके को अपनी जिंदगी का संबल बना लिया है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बंजार खंड के एक छोटे से गांव शलेरा की रहने वाली निर्मला के लिए जीवन की सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जिंदगी की हर चुनौती का पूरी बहादुरी से मुकाबला किया। बचपन में ही पोलियो की चपेट में आए निर्मला के पैर बेशक उसका साथ न दें, पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आज उसने अपनी इतनी बड़ी कमजोरी पर भी विजय पा ली है। कल तक जो लड़की हर छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा करती थी, आज वो इस कदर आत्मनिर्भर हो चुकी है कि दूसरों को सहारा दे। साक्षरता साक्षरता मेरी मामी ये हो घर घर आइए आई साक्षरता। निर्मला की जिंदगी में आया ये परिवर्तन 1992 में शुरू हुए साक्षरता अभियान का ही एक परिणाम है। साक्षरता अभियान ने निर्मला को वो दृष्टि दी जिसने उसे अपने अंदर छुपी शक्ति को ढूंढ निकालने की राह दिखाई और तब निर्मला ने जीने का आत्मनिर्भरता का गुर जाना। साक्षरता अभियान में पढ़ना लिखना सीखने के बाद आज निर्मला न केवल छठी कक्षा पास करके आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए है, बल्कि सिलाई का काम करने के साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी सिलाई सिखाती है ताकि वो भी अपना अपना काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकें। निर्मला अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव की प्रमुख वजह अपने जिद्दीपन को मानती है, क्योंकि अगर वो अभियान से जुड़ने की जिद न करती तो शायद आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वैसे तो हर किसी की जिंदगी का आदर्श कर्म ही पूजा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में मेरा दृढ़ निश्चय ही मेरा सबसे बड़ा आदर्श है। मैं एक बार जो निश्चय कर लेती हूँ उसे कोई बदल नहीं सकता। शायद मेरा यही जिद्दीपन मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। मेरे लिए सफलता की चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरा जिद्दी होना है। बचपन में ऐसी जिद कर दी थी है मैंने, कहीं गांव जाना, कहीं मिलने देखने जाना और कहीं ऐसे जाना, इसका दिल करता था जाने का। जाती भी थी है जैसे हम चलते फिरते कहीं जाते, गांव में जाते, कहीं जाते, मेले में जाते, बंजार जाते, एक एक जगह बैठी होती। इसको भी दिक्कत हो जाती, काफ़ी दिक्कत होती कि मैंने भी जाना था, अब मैं यहाँ पर फंसी, एक चल नहीं सकती, गांव के दूसरे लोगों के लिए आज निर्मला हिम्मत और हौसले का जीता जागता उदाहरण है। निर्मला मुश्किल से एक या डेढ़ वर्ष की ही रही होगी जब उसे तेज बुखार आया था, लेकिन समय से सही इलाज न मिल पाने के कारण जब तक बुखार उतरा तब तक वो पोलियो की गिरफ्त में आ चुकी थी। पोलियो के कारण उसके दोनों पैर बेकार हो गए और नन्ही निर्मला पूरी तरह दूसरों की मोहताज बन गई। दूसरों की दया, सहानुभूति और उपेक्षा को साथ साथ सहती निर्मला लगातार एक बोझिल जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। इस तरह बिना पांव के पहाड़ी ढलानों में खिसटती निर्मला का बचपन अपने आप को कोसते हुए बीता। न तो वो स्कूल जा सकी और ना ही दूसरे बच्चों की तरह एक हंसता खेलता बचपन जी सकी। उम्र के साथ साथ निर्मला की परेशानियां भी बढ़ती गईं। अब अपने प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार उसे अधिक खटकने लगा। छोटे भाई बहनों और दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख उसके मन में भी हूक सी उठने लगती, लेकिन एक गरीब लाचार लड़की की पढ़ाई का सपना
भला कैसे पूरा हो सकता था। जिंदगी की इस कठोर सच्चाई को समझकर निर्मला भले ही मन मार कर बैठ गई, लेकिन पढ़ने की कसक उसके अंदर अभी भी बची हुई थी। तभी 1993 में साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान उसकी जिंदगी में उम्मीद के ताजा झोंके की तरह आया और पढ़ने की ख्वाहिश की चिंगारी जो उसके मन में बचपन से धीरे धीरे सुलग रही थी, उसे एक दमकता हुआ शोला बनने का मौका मिल गया। हमारे जिले में जो साक्षरता अभियान चलाया गया है वो सन 1992 से चल रहा है। इसके अंतर्गत जो हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है वो हमने महिलाओं के साक्षरता में और महिलाओं के शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए वो हमने ध्यान दिया है। हमने इसके अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। जो भी हमारे शिक्षा से और पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उनमें वो गांव-गांव तक जाके कार्य करें। हमने कुल्लू ज़िले में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जगह जगह जाके सर्वे किया, निरक्षरों को छांटा, फिर गांव-गांव में जाकर साक्षरता समितियां बनाई, अक्षर सैनिक बनाए। उनमें से ही हमारे ग्राम पंचायत चुनाव में जब हम गांव शलेरा में गए तो एक पूरे गांव का सर्वे करने के बाद एक लड़की जिसका नाम निर्मला है, जो बहुत अपंग है, पैरों से चल नहीं सकती है, उसके घर जब गए, हमने उसको पूछा, उसके बहुत ललक थी पढ़ने की कि मैं पढ़ूंगी। जब साक्षरता अभियान के कार्यकर्ताओं ने उसे पढ़ाने की बात की तो वो बहुत रोई, लेकिन ये दुख की नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने अभियान में शामिल होने के लिए फौरन हाँ कर दी। घर वाले उसके जोश को देखकर थोड़ा परेशान थे क्योंकि कहीं भी आना जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन निर्मला ने कक्षा में जाना शुरू कर दिया। 1992 में साक्षरता अभियान हिमाचल प्रदेश में आया तो 1993 में निर्मला से मेरी मुलाकात हुई। हम साक्षरता की किताबें ले जा करके वहाँ उसके गांव में शलेरा में पहुँचे तो निर्मला कहती कि ये किताबें किसके लिए है। उसके बाद उसकी माता जालपू भी वहाँ आई। जालपू ने कहा कि भाई मेरी इस बेटी को पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसके बाद निर्मला से मैंने जब बात की, मैंने कहा निर्मला तू पढ़ना चाहती है? निर्मला ने कहा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, परंतु मुझे कौन देगा किताबें, मैं दोनों टांगों से लंगड़ी हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती और किताबें कौन देगा। जब उससे बात हुई तो मैंने कहा साक्षरता आंदोलन शुरू हो गया और इसमें आपको पढ़ने के लिए हम बिना किसी पैसों के निःशुल्क किताबें देंगे। तो निर्मला ने इतनी खुशी जताई कि मैं किताबें पढ़ूंगी और संभाल के रखूंगी। निर्मला ने जब पढ़ाई शुरू की तो उसको पढ़ाने के लिए वहाँ नवसाक्षी के रूप में श्रीमती बिमला को हमें अनुदेशी के रूप में रखना पड़ा। रिकू नेगी जी निर्मला के घर आया, फिर मेरे को बुलाया। महिला मंडल वाली औरतें वहाँ थी, बोला आपने साक्षरता चली आई, आपने इनको पढ़ाना महिलाओं को, फिर निर्मला को भी पढ़ाना साथ में। जब निर्मला मेरे साथ पढ़ने लगी, एक किताब पूरी पढ़ी तो थोड़ा इसका ध्यान किताब की ओर पढ़ने की ओर चला, दूसरी किताब पढ़ी, फिर किताब वो दूसरी भी पढ़ी इसने पूरी, बड़ी शौक था इसको पढ़ने में, तीसरी भी पढ़ी, फिर वो भी बड़ा शौक उसको पढ़ते पढ़ते चौथी किताब पढ़ी। साक्षरता में चली गई तो मुझे बहुत से ज्ञान आने लगे, पहले तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे बहुत सी मत आने लगी। लेकिन परेशानियों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। निर्मला जब पढ़ने जाती तो बच्चे और बड़े उसका मजाक उड़ाते। कई बार तो साक्षरता की कक्षाओं में आने वाले दूसरे लोग भी उस पर हंसते हुए कहते कि भला ये लंगड़ी पढ़कर क्या करेगी, इसे कौन सी नौकरी करनी है। ये सब सुनकर निर्मला को दुख तो होता, मगर अब ऐसी फिजूल की बातों पर ध्यान देकर वो अपनी पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं करना चाहती थी। उस मेहनत का फल भी उसे बहुत जल्दी मिला और अभियान के तीनों कायदे पूरे करके निर्मला नव साक्षर हो गई। साक्षरता की पढ़ाई करने के बाद भी वो रुकी नहीं। अब उसने गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया और पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर पांचवी क्लास भी पास की। छठी क्लास की पढ़ाई के लिए इनको 2.5 किलोमीटर दूर तक चनोन स्कूल तक भी जाना पड़ता था, परंतु उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को कायम रखा और अब मौजूदा दौर में ये जो 8वीं कक्षा की तैयारी कर रही हैं। उसमें इतना जोश था निर्मला में कि वो बहुत जल्दी उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते
जब वो साक्षर हो गए, नव साक्षर हो गई, उसके बाद वो उसने प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल में गई, पाँचवीं का मैं दाखिला लिया, पाँचवीं की परीक्षा उसने स्कूल से फर्स्ट आके पास की, पूरे स्कूल में वो फर्स्ट रही। स्कूल था दूर ना, उसके बाद आया या नज़दीक, पहले ये शिक्षा था मैं पढ़ी, उसके बाद ये दाखिल करवाई स्कूल में, उसके बाद पाँच पास कराई इसकी। 1993 के बाद जब साक्षरता मिशन आया तो 1993 से लेकर 1996 तक ये जो साक्षरता मिशन चला, मैंने भी इस मिशन में काम किया है। तब साक्षरता बालों ने इसको गाइड किया और निर्मला ने इसी स्कूल से पांचवी श्रेणी प्रथम कक्षा में पास की। लेकिन ये भी उसके लिए काफी नहीं था, वो और भी पढ़ना चाहती थी। उसने घर वालों से भी बात की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गाँव में स्कूल न होने के कारण उसे मना कर दिया गया। यहाँ भी जीत निर्मला के हौसले और दृढ़ संकल्प की हुई। उसने जिद करके लगभग 2.5 किलोमीटर चिनौड़ के स्कूल में दाखिला ले लिया। बेशक हर रोज 5 किलोमीटर खतरनाक पहाड़ी रास्तों में चढ़ते उतरते हुए स्कूल जाने का उसका फैसला दुस्साहसपूर्ण था, लेकिन उसने छठी की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करके ही दम लिया और अब 8वीं की तैयारी कर रही है। उसने कहा कि मैं 8वीं का इम्तिहान भी प्राइवेट दूंगी, क्योंकि मैं बड़ी हो गई और दूसरा जिस तरह से उसकी टांगें काम नहीं करती उस तरह से वो दूर चलने में काफ़ी असुविधा। यहाँ हमारे गांव से स्कूल काफ़ी दूर है, मैं रेगुलर स्कूल नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट पेपर दे रही हूँ। अब उसका मानना है कि मैं 8वीं कक्षा की परीक्षा दूंगी और उसके बाद मैट्रिक करूंगी और मैट्रिक के बाद आगे की स्टडी अपनी पूरी करूंगी। निर्मला के भीतर सीखने और नई नई जानकारियां हासिल करने की जबरदस्त ललक है। उसने साक्षरता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं और पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अनेक नई जानकारियां प्राप्त की, जिन्हें वो अपने जीवन में भी उतारने की भरपूर कोशिश करती है। स्वास्थ्य और साफ सफाई से जुड़ी बातों ने निर्मला को सबसे अधिक प्रभावित किया। हमेशा कीचड़ से सनी रहने वाली निर्मला आज न केवल खुद साफ सुथरी रहती है, बल्कि घर में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है। उसके प्रयासों से गांव के अन्य लोग, विशेषकर महिलाओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है। दूसरों पर आश्रित रहने की टीस निर्मला के मन में गहरे तक बैठ गई थी, इसलिए साक्षर होने के बाद सबसे पहले अपने पांवों पर खड़ा होने का फैसला लिया। सिलाई कढ़ाई में उसकी विशेष रुचि थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि सिलाई कढ़ाई के लिए उसे न केवल बस से 13 किलोमीटर का सफर तय करके बंजार जाना था, बल्कि हर रोज 5 किलोमीटर पैदल घिसट कर भी चलना पड़ता, वो भी कई महीने तक। किसी को भी यकीन नहीं था कि निर्मला जैसी शारीरिक रूप से कमजोर लड़की ये सब कर पाएगी, लेकिन धुन की पक्की निर्मला ने एक बार ठान ली तो सारे जमाने का विरोध उसके सामने बौना साबित हो गया। अपने सपनों को सच करने के लिए उसने लगातार 8 महीने तक सिलाई कढ़ाई सीखने की कठिन साधना की। इसके बावजूद उसके चेहरे पर किसी ने शिकन तक नहीं देखी, उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। वो चलने की कठिनाई की वजह से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए अब साक्षर होने के बाद उस कमजोरी पर विजयी होना चाहती थी जिसने उसे बचपन में पढ़ाई से वंचित रखा था। उसने सबसे पहले कहा कि मैं सिलाई सेंटर में सीखने जाऊंगी, वहां पर मैं कटिंग टेलरिंग का काम पूरी तरह सीख लूंगी और नेटिंग का काम सीखूंगी। फिर मैं सिलाई सीखने चली गई बाजार में, वहां के मैडम भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से सिखाया। रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसका मुझे दुख नहीं है। यहाँ से ऐसे पैदल ही जाती थी, मतलब एक पाँव पकड़ के मतलब दूसरे पाँव से मतलब चलाना शुरू करना, जेबन में या रोड साइड में बस में बैठना, बस में वहाँ से बस से निकलना, फिर वहाँ से भी थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, काफ़ी मतलब कोई 5 किलोमीटर लगते वहाँ से नीचे बुलजार से निचली साइड, फिर वहाँ पहुँचना, फिर सिलाई सिलाना वहाँ पर दिन को। यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि इतनी भीड़ में बस पर चढ़ना फिर उतरना और उसके बाद इतनी दूर आना जाना और लोगों के साथ, जिस बस में ये जाती भी थी वहाँ इसको सीट भी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद इसने कभी भी कोई छुट्टी नहीं की है। सिर्फ संडे को मेरी दुकान क्लोज होती है, उसी दिन ये छुट्टी करती थी और बारिश हो चाहे कुछ हो ये आती थी
और जो इसने काम सीखा है बिल्कुल मन से सीखा है। इस टाइम जो बहुत ही अच्छी टेलर है निर्मला, आज सिलाई केंद्र बंजार में सीख करके दिन में वो लड़की 5 सूट सिलाई कर लेती है और 1 सूट की सिलाई उसकी 100 रुपये होती है, और दूसरी लड़कियों को भी बिना किसी प्रलोभन के सिखाना शुरू कर दिया उसने। अपनी इसी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर निर्मला ने अपना सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर खोला और आज वो दूसरी लड़कियों को सिलाई का हुनर सिखाकर खुद अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दे रही है। आज सिलाई कटाई में निर्मला किसी अनुभवी दर्जी से कम नहीं है। उसकी सिले हुए कपड़ों की सिलाई तो साफ और सुंदर होती ही है, उसके डिजाइन भी नए और आकर्षक होते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो हर दिन 4 से 5 सूट आसानी से सी सकती है और इसलिए उससे कपड़े सिलवाने वालों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। इसके और मेरे काम में कोई फर्क नहीं कर सकता। मैं तो पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन जो ये काम कर रही है इसने सिर्फ मेरे पास 8 महीने सीखा है यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने इसको पिछले साल कमीशन पर भी रखा था, मेरे बहुत से सूट इन्होंने निकाले हैं। तो और इसमें जो लगन है, जो एक कुछ करने की हिम्मत है, वो सबसे अलग है। आज मेरा खुद का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जिंदगी के कई रंग देखे हैं। मैं गरीबी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त में ही प्रशिक्षण देती हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने के बावजूद मुझे आज भी आगे पढ़ने के लिए स्कूल न जा पाने का मलाल है। मुझे पता है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। आज निर्मला अपने गांव ही नहीं बल्कि आसपास के सारे इलाके की चहेती है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निर्मला हमेशा लोगों में ज्ञान बांटती रहती है। वो दूसरी महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा देती है। अपने समाज की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहने और शिक्षा को बांटते रहने का जज्बा न केवल इस आम और बेचारी सी दिखने वाली लड़की को औरों से अलग खड़ा कर देता है, बल्कि उसे सामाजिक नेता की तरह भी स्थापित कर देता है। ये बात अलग है कि यहाँ तक पहुँचने में निर्मला को कितने कष्ट और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। कदम कदम पर लोगों द्वारा किया गया उपहास और तिरस्कार पूर्ण व्यवहार उसके दिल में शूल बनकर चुभता रहा। अपाहिज कह कहकर दिए गए ताने उसके कानों में गर्म पिघले लावे की तरह उड़ेले जाते। जहाँ उसका हौसला बढ़ाने वाले कुछ ही लोग थे, वहीं उसका हौसला तोड़ने वाले गली चौराहे बाजार हर जगह मौजूद थे। एक दिन हम बाजार गए ना, दोनों माँ बेटी एक दुकान में कपड़ा खरीद रहे, मैं उसके लिए सूट खरीदने। वहाँ एक औरत ने बोला, इस जीने से बोला मरना ठीक है, बोला इस जीने का क्या फायदा है। मेरे को दिल में बहुत बुरी है ना, इसने देख मेरी लड़की के लिए क्या कैसा बोला। जहाँ भी मैं जाती थी और लोग मुझ पर बहुत हंसते थे और मुझे बहुत फील होती थी कि यार लोग मुझ पर हंस रहे हैं, देखो मैं कैसी हूँ। अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अब मैं खुद ही कहीं भी जा सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। लगभग हर दिन मिलने वाली ऐसी उपेक्षाओं से कभी कभी तो मेरा दिल छलनी हो जाता और मेरी हिम्मत टूटने सी लगती। ऐसे में यदि मुझे कुछ याद आता तो सिर्फ ये कि अगर किसी की दुर्बलता का मजाक उड़ाना ही हमारे समाज की सच्चाई बन चुका है, तो मेरे लिए इससे परे एक सच्चाई और भी है। नींद का ताल्लुक नहीं है सेज से, आदमी कांटों पर भी सो सकता है। तरमीम कर लेकर वो अपनी सोच में एक भिखारी भी शहंशाह हो सकता है। निर्मला चाहती है कि समाज में कोई भी अनपढ़ ना हो, खासतौर पर महिलाओं को तो अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वो न केवल नए हुनर सीख कर आगे बढ़ सके बल्कि अपनी और अपने बच्चों की सही देखभाल भी कर सके। उसे मलाल है कि उसकी माँ अनपढ़ है और इसीलिए उसे समय पर पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई। ये सोचकर वो अक्सर दुखी हो जाती है कि यदि उसे समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती तो वो भी आम लोगों की तरह एक बेहतर जीवन जी रही होती। इसलिए वो साक्षरता के हर मंच से लोगों से अपील करती है कि महिलाएं जरूर से जरूर साक्षर हों और अपने बच्चों को पोलियो की दवा भी जरूर पिलाएं। इस अपील का महिलाओं पर गहरा असर पड़ता है।
बोलती मार को पे सफाई रखनी है, वो मार को तो ऐसे काम करने का ज्यादा सफाई पर ध्यान रखना है। हर चीज शरीर स्वस्थ रहता है सफाई से, हर चीज का बंडे बर्तन साफ चाहिए, खाने पीने का ठीक रखना चाहिए, ढक्कन ढुकने रखना पानी में लगा के, हर चीज ठीक रखनी, बीमारी शिमारी नहीं लगती, फिर गंदगी से बड़ा बीमारी होती पैदा। आ निर्मला औरों को बोलती कि भाई आप साफ सुथरे क्यों नहीं रहते, प्रतिदिन क्यों नहीं नहाते, घर का खाना वाना हर साफ सफाई का इतना ध्यान उस लड़की में। जहाँ शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग भी जीने का हुनर नहीं सीख पाते, वहीं साक्षरता की रोशनी में निर्मला जीने की कला में पूरी तरह माहिर हो चुकी है। सच में साक्षरता अभियान उसके जीवन में नया सवेरा लेकर आया जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। साक्षरता की बदौलत ही आज वो आत्मनिर्भर बनी है और प्रतिदिन 200 से 250 रुपए कमा लेती है। साक्षरता के कारण ही वो उन सारे कामों में निपुण हुई है जो एक सफल और कर्म जीवन के लिए जरूरी है। आज वो साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने जैसे काम करने में पूरी तरह सक्षम है। आज से कुछ साल पहले तक किसी के साथ भी गांव से बाहर न जा सकने वाली निर्मला ने साक्षर होने के बाद इतना आत्मविश्वास हासिल कर लिया है कि वो कहीं भी अकेली आ जा सकती है। यहाँ तक कि वो बंजार, मंडी और कुल्लू जाने में भी जरा नहीं हिचकती। अपनी अधूरी रह गई इच्छाओं को अब निर्मला अपने भाई बहनों के जरिए पूरा करना चाहती है, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो खुद ही उठा रही है और हर पल उन्हें कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देती रहती है। वो सिलाई कढ़ाई में पूर्ण रूप से वो शिक्षित हो चुकी है और वो अपने गांव के या दूसरे लोगों के कपड़े सी करके अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतें पूरा करती है और उससे जो धन वो अर्जित कर रही है उससे अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा में वो शिक्षा ग्रहण करवा रही है। जब मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते थे तो निर्मला दीदी मम्मी पापा को पैसे देते थे और मम्मी पापा अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। कभी हमारे लिए भी मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते थे, हमारी फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे तो निर्मला दीदी हमें फीस के लिए पैसे देती थे। जब घर में कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपने फैमिली की ये हेल्प करती है और यहाँ तक कि अपने मम्मी को, अपने सिस्टर्स को मेरे साथ ही कई बार अपने पैसे सूट लेके देती है। इतनी हिम्मत शायद कोई, जैसे मान लो कोई नॉर्मल लड़की है वो इतनी हिम्मत नहीं रख सकती है कि अपनी फैमिली को कुछ हेल्प दे, लेकिन इसने हेल्प ही दी है। ये किसी पर निर्भर नहीं है, कुछ बिल्कुल खुद इंडिपेंडेंट है। जिनके इरादे पक्के हों और जिनमें जिंदगी जीने का हौसला हो, उनके सामने सारी रुकावटें और समस्याएं बेमानी हो जाती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर कठिन से कठिन हालात में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए नई राह खोल देता है। निर्मला ने जो सोचा था उसे सच कर दिखाया। उसने साबित कर दिया कि अगर इच्छा और इरादा हो तो इंसान खुद अपनी किस्मत का निर्माण कर सकता है। निर्मला इस बात की जीती जागती मिसाल है कि साक्षरता अभियान ने समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें अभिव्यक्ति देने और सामाजिक भूमिका निभाने के भरपूर अवसर दिए हैं। उनके सपनों को साकार करने और भविष्य की संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया है। अब तो घर वाले भी खुश है और उसके भाई बहन बहुत खुश है कि अब हमारी बहन ने खुद से पढ़ना कैसा सीखा और कैसे उसका जो विकास हुआ और अपनी जिंदगी में उसने कैसे विकास किया, तो उससे अब पूरे गांव वाले उसकी कदर करते हैं, सभी लोग उससे खुश है और माँ बाप तो खुश है पर भाई बहन भी बहुत खुश है। उसमें इतना मनोबल जागृत हुआ है कि वो हर जगह अकेले जा सकती है, पढ़ सकती है, लोगों से बात कर सकती है, अपने खेत खलिहान में काम कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि ये हिम्मत इनमें खुद में ही है, इन्होंने जो बनाया है उसमें इनका खुद का सबसे बड़ा हाथ है। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचती तो शायद मैं भी इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। आज हमारा जो बाकी क्षेत्र भी है वो इनकी बदौलत एक कठिन परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी एक मिसाल बनकर उभरा है कि किस तरह अगर हमारे मन में चाह हो कुछ प्राप्त करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, तो हम उसको सभी कठिनाइयों के बावजूद उसको हम हासिल कर सकते हैं। न जाने आज कितनी ही निर्मला साक्षरता और सतत शिक्षा के सहारे अपने लिए नए भविष्य का निर्माण कर रही हैं। लेकिन जिस मकसद से ये अभियान शुरू किया गया था
वो सही मायनों में उसी दिन पूरा होगा जब हर निर्मला अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। वहां तक पहुंचने के लिए हर निर्मला को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका चाहिए, आपका साथ चाहिए, दया और सहानुभूति नहीं। क्या आप आगे बढ़कर ये पहल नहीं करना चाहेंगे?